अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। वर्ल्ड कप 2023 के लिए शर्जील खान और मोहम्मद हुरैरा को शामिल करने का जो प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए नवेले चेयरमैन जक्का अशरफ ने बना लिया है, क्या कुछ तफसीलात हैं आज आपके साथ यही शेयर करने जा रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, शर्जील खान के लिए पॉजिटिव न्यूज यह है कि नए नवेले यानी कि अभी तो चेयरमैन बनना है लेकिन बन ही जाएंगे जक्का अशरफ साहब, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है शर्जील खान को, हिंट दे दिया है कि शर्जील खान वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। शर्जील खान लगातार जनाब ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान टीम में शर्जील खान की वापसी हो जाए। बेचारा वजन भी कम कर रहा है लेकिन वजन कम करने के चक्कर में शर्जील खान की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी जनाब ऊपर नीचे इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल शर्जील खान ने मतलब एक जो रोलर डाला हुआ है कि भाई मैं टीम के अंदर वापसी करूंगा और शर्जील खान को ओडीआई स्क्वाड के अंदर शामिल करना ये शायद किसी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई बड़ा तगड़ा कंपटीशन है। फखर जमान है, इसके अलावा इमामुल हक है, शान मसूद है, अब्दुल्ला शफीक है, यानी कि बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्पेशली ओपनर्स की। तो और फिर शर्जील खान की किस तरह जगह बनेगी, तो शर्जील खान की ओडीआई के अंदर किसी को समझ भी नहीं आएगी कि भाई शर्जील खान T20 के अंदर अगर शामिल होते तो चलो भाई ठीक है समझ आ जाती, लेकिन शर्जील खान को ग्रीन सिग्नल दिया गया कि शर्जील खान वर्ल्ड कप और एशिया कप के स्क्वाड में हो सकते हैं। लेकिन लेट्स ही देखते हैं, एक तो सिंध का है और बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है, लेकिन लेट्स ही देखते हैं क्या होता है, जक्का अशरफ उनको शामिल करते हैं या नहीं। और मोहम्मद हुरैरा के लिए जो पॉजिटिव न्यूज है वो ये है कि अगर मोहम्मद हुरैरा टेस्ट के अंदर परफॉर्म करने में कामयाब हो गया, क्योंकि मोहम्मद हुरैरा ने कवर करनी है अजहर अली की जगह, अगर मोहम्मद हुरैरा श्रीलंका में परफॉर्म करने में कामयाब हो गया तो मोहम्मद हुरैरा को आप पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर भी देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना है, मजीद मजबूत करना है पाकिस्तान ने, तो मोहम्मद हुरैरा जो है पाकिस्तान वैसे भी इस तरह का प्लेयर सर्च कर रहा है, तो मोहम्मद हुरैरा की जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी श्रीलंका के खिलाफ। मोहम्मद हुरैरा किस तरह परफॉर्म करते हैं उसकी बदौलत फिर मोहम्मद हुरैरा को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल किया जाएगा। तो ये उसके लिए इतलात है और उसके लिए पॉजिटिव न्यूज भी है। बहरहाल हुरैरा ने कहा कि सब कुछ जनाब सीखा मैंने अपने अंकल शुएब मलिक से भी और बाबर आजम बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, मेरी ख्वाहिश है विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन जैसा बल्लेबाज बनूं। तो बरल उन्होंने कहा कि मलिक ने मेरे लिए यानी कि मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी हेल्प किया है, लेट्स ही देखते हैं फिर किस तरह परफॉर्म करते हैं मोहम्मद हुरैरा। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब।